इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज इन सम बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटी. एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस. ठीक है, अब बिजनेस इंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन. जो बिजनेस इंटरप्राइज होता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है विच इज एंगेज इन दी सम बिजनेस. वो क्या है, वो किसी भी एक बिजनेस में क्या होता है, एंगेज होता है. और दी कॉमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी में भी इंगेज होता है. एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ द बिजनेस. कि हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेस क्या होता है, वो सेपरेट होता है एज वेल एज इट इज़ द डिस्टिंक्ट डिफरेंट यूनिट ऑफ द बिजनेस. सो एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है, हर एक बिजनेस क्या है, वो कुछ एक ना एक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी. जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसको फुलफिल करने के. सो बिजनेस इंटरप्राइजेस में भी क्लासीफाइड इंटू 3 broad categories. जो बिजनेस इंटरप्राइजेस है उसको हम लोग 3 broad category में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेकेंड इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, थर्ड वन इज ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस. ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज इंटरप्राइजेस. फर्स्ट वन इज प्राइवेट, सेकेंड इज पब्लिक एंड थर्ड वन इज joint sector enterprises. Okay, so let's start with the private sector enterprises. So the business enterprises which are owned, controlled and managed by the private individuals are known as private sector enterprises. ki koi bhi business enterprises jo kya hai, owned, jiska owner bhi, jo iska malik hai, owner bolte hai isko, owner bhi kya hai, owner, controlled and managed, ki owned bhi, कंट्रोल भी, पूरा जो भी फंक्शनिंग हो रहा है उसका कंट्रोल एंड दी मैनेज्ड, कि जो भी इसका मैनेजमेंट है वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय दी प्राइवेट इंडिविजुअल. कोई भी प्राइवेटली हो रहा है सारा कंट्रोल मैनेजमेंट और दी ओन्ड आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस. उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज बोलते हैं. सो दीज इंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इन ये जो इंटरप्राइजेस होती हैं ये इस मोटिव के साथ काम करती हैं टू अर्न दी मोर एंड मोर प्रॉफिट. कि उन्हें मेन मोटिव उनका क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना. डैट इज़ रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है, रिलायंस आपको पता ही है, जियो 4G आपको पता है, जियो जो है, तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड ये क्या प्राइवेट इंटरप्राइजेस है. टाटा कंपनी जो रतन टाटा है, उनकी जो टाटा की सारी है, TCS है से लेके टिस्को और जो भी ऑटोमोबाइल है टाटा का, बिरला कंपनी, आदित्य बिरला का जो ग्रुप है, विप्रो, सो ये सारे क्या हैं आपके प्राइवेट इंटरप्राइजेस. सो प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, सो द बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेस, प्राइवेट इंडिविजुअल आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस. एंड दीज इंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट. कि वो लोग जो भी इंटरप्राइजेस होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट को मेक करना. नेक्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. सो द बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, वो बिजनेस इंटरप्राइजेस जो क्या होता है, वो ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. कि वो बिजनेस इंटरप्राइजेस जिसका जो उसका ओनर, जिसका कंट्रोल और जो मैनेजमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है. दे आर नोन एज द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. उन्हें क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बोलते हैं. सो दीज इंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ सर्विस. कि उनका मेन मोटिव क्या होता है, जैसे प्राइवेट इंटरप्राइजेस होते हैं उनका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना. बट जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना डिफरेंट काइंड की, एज वेल एज सोशल वेलफेयर करना. सो सेल आपको पता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. सो प्राइवेट इंटरप्राइजेस सिंपली मीन्स द इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाई द प्राइवेट इंडिविजुअल इज कॉल्ड द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस टू अर्न प्रॉफिट. Whereas public sector enterprises, the business enterprises which are owned, controlled and managed by the central and the state government, and their main objective is to provide the different kind of services. Okay.
ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस. सॉरी, ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस. सो ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइज द बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड कंट्रोल एंड मैनेज बाई ज्वाइंटली बाई द प्राइवेट इंटरप्रेन्योर एंड द गवर्नमेंट. ओके, कोई भी इंटरप्राइजेस जो क्या है, जो जिसका ओनर, जिसका मैनेजमेंट और जो कंट्रोल कौन कर रहा है, ज्वाइंटली कर रहा है, मतलब दोनों का क्या है, मिक्सचर है किसका, कि प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी का और गवर्नमेंट की, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट. मतलब ज्वाइंट का मतलब कॉम्बिनेशन. तो इसमें किसका कॉम्बिनेशन है, इसमें आपका प्राइवेट इंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट का. सो इन दीज इंटरप्राइजेस द डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंटरप्रेन्योर, वेयर एज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, इन जो जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं तो उनमें जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है, मतलब हर दिन कुछ एक्टिविटी हो रही है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, तो उसका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर. मतलब उसको पूरा कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर करता है. वही जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर. ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल और सुपरविजन होता है कि जो भी प्रॉपर वर्क है वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं. तो ये क्या है, ये इसके मेंबर्स के थ्रू होता है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने हैं उनके थ्रू होता है. जैसे आपका एक एग्जाम्पल है इसका, मारुति उद्योग, कोचिन रिफाइनरीज. तो डे टू डे मैनेजमेंट कौन करेगा, आपकी प्राइवेट इंटरप्रेन्योर करेंगे, और गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कंट्रोल और दी सुपरविजन करेगी कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी विल स्टार्ट इज फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, की डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के फॉर्म्स कैसे, मतलब वो कैसे कैसे हो सकते हैं. सो द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कैन फंक्शन एंड रन बाई अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होता है वो क्या है, वो कैन फंक्शन, वो फंक्शन कर सकता है और रन भी कर सकता है बाई अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, कि किसी एक फॉर्म को अडॉप्ट करके कोई भी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या कर सकता है, अपनी फंक्शनिंग कर सकता है. सो इसमें पहला क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, पहला हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट वन इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. थर्ड वन इज पार्टनरशिप. फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द फिफ्थ वन इज कंपनी. ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम, कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो उन फॉर्म्स में कैसे हम बेसिकली उनको डिवाइड कर सकते हैं. तो ये जो सारे फंक्शनिंग है वो सारे ही अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस. तो इसमें कौन कौन से ऐसे फॉर्म हैं, पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दी कंपनी. कंपनी मीन्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ओके, सॉरी. सो हियर इट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द सोल प्रोप्राइटरशिप. सो सोल मीन्स प्रोप्राइटर, मीन्स द ओनर, एंड द वन मीन्स ओनर. ओके, सो सिंगल ओनर, मतलब इसको सिंपली क्या बोलते हैं, सिंगल ओनर. सो अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी बिजनेस क्या है, वो ओन, उसका ओनर, उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल कौन कर रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है. एक सिंगल इंडिविजुअल क्या कर रहा है, उसका मैनेजमेंट भी कर रहा है, वही उसका ओनर भी है, और वही क्या कर रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है. सो इसे क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन. इसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सो देर आर डिफरेंट डेफिनेशन बाय द डिफरेंट ऑथर्स. डिफरेंट ऑथर्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन दिए हैं. सो फर्स्ट वन इज सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बेयरिंग द रिस्क एंड द फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. सो सोल ट्रेडर बिजनेस क्या होता है, ये एक टाइप का बिजनेस होता है जिसमें वेयर वन पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल, कि एक सिंगल पर्सन क्या है, वो उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, कि वो क्या है, कैपिटल भी प्रोवाइड करेगा, फॉर बेयरिंग द रिस्क, जो भी बिजनेस में रिस्क है वो अकेले ही क्या करेगा, उसको बेयर करेगा, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में क्या है, कोई भी बिजनेस का मैनेजमेंट करना है, बिजनेस जो भी कैपिटल है वही उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जो भी फंड की नीड है या जो भी रिस्क है वो सिंगल उसको क्या करेगा, बेयर करेगा. सो देर आर डिफरेंट
definitions of the sole proprietorship which is given by the different authors. Okay, so next one is which is given by the L.H. Hennig. So the sole proprietorship is the form of business organization as the head of which stand an individual as one who is responsible, who direct its operation, and one who alone runs the risk of failure. Okay, so the sole proprietorship is the form of the business organization at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operation, and who alone runs the risk of the failure. So sole proprietorship is the form of business organization. ये हमने जान गया कि जान लिया कि ये private form of business organization होता है, as the head of which stand an individual as one who is responsible. ठीक है, उसका head कौन होता है? An individual जो क्या है, पूरे उस business organization के लिए responsible होता है, who direct its operation जो क्या है, इसके operation को भी direct करता है, and who alone runs the risk of failure और वो सिंगली क्या करता है, सिंगल सोल क्या है, वो जो भी फेलियर है, जो भी रिस्क है, उसको पूरा वो बेयर करता है. ठीक है, वो सिंगल उसी की ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरे जितने भी रिस्क हैं उसको वो क्या करता है, बेयर करता है. नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाई एंड हर एंड फॉर हिमसेल्फ. ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो क्या करता है, बिजनेस को कैरी करता है, बाई उसी के थ्रू भी क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यू होता है और उसी के लिए भी होता है. मतलब वही क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है और अपने लिए ही क्या कर रहा है, वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है. ही इज़ नॉट ओनली द ओनर ऑफ द कैपिटल ऑफ द अंडरटेकिंग. वो क्या है, वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कैपिटल का ही ओनर नहीं है, बट इट हिज बट इज यूजुअली द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजर एंड द मैनेजर. ठीक है, वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजर भी है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, एज वेल एज मैनेजर, वो मैनेजर भी है, एंड टेक्स ऑल द प्रॉफिट्स और द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉसेस. और वो क्या करता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस जितनी भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी प्रॉफिट है, वो उसी को ही क्या करता है, जितना अगर प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट को सारे लेगा, और लॉस हो रहा है तो वो भी वही क्या है रिस्पॉन्सिबल है कि वही उसको लॉस को बेयर करेगा. ओके, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन है, जो वो क्या है, वो सिंगल है, मतलब एक ही क्या है, वो बिजनेस को मैनेज भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा और उसका ओनर भी होगा. एंड द लास्ट डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय द किम्बल एंड किम्बल, सो द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स. ठीक है, वो क्या होता है, वो एक सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस सब्जेक्ट, कि वो अपने बिजनेस का क्या है, एक सुप्रीम जज है. मतलब और कोई इसके उसके वर्क में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा. ओनली टू जनरल लॉज ऑफ लैंड एंड सच लेजिस्लेशन एज मे अफेक्ट हिज पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस. ठीक है, क्या है कि उसके जो लॉज ऑफ लैंड है एज वेल एज जो भी स्पेशल लेजिस्लेशन है, वो सारे क्या हैं, वो उसी के ही अंडर होंगे. वही क्या करेगा, एक सिंगल अथॉरिटी है, एक सिंगल ओनर है जो अपने बिजनेस को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, एज वेल एज मैनेज करेगा, कंट्रोल भी करेगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो वही सारे प्रॉफिट को लेगा, अगर लॉस होता है सो ही और शी इज़ दी ओनली वन हु बेयर दी ऑल दी लॉसेस. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज़ क्लास, वी हैव डिस्कस दी last topic, we have discussed the types of the business risk from which we have completed this chapter, and we have started the new chapter, forms of business organization, in which we have discussed the all the what the topic we have to discuss in this chapter, and we started with the introduction. Okay, and we also started the forms of the private sector enterprises, in which we have discussed about the sole proprietorship, and we have seen the different kind of different definition which is given by the different authors. Okay, so it's all about today's class. We will continue this chapter in the next class. Okay, thank you.
The next topic what we are going to study, that is the features of the sole proprietorship. Okay, so the main features of the sole proprietorship forms are the mentioned below. So first one is single ownership. So the sole proprietorship form is owned by a single individual only. As we already know कि जो sole proprietorship में जो form होता है वो single individual ही इसको manage करता है. All the capital is supplied by the single individual. ठीक है, जो भी capital जो भी invest हो रहा है, जो supply हो रहा है, वो कौन कर रहा है? एक single individual कर रहा है from his own wealth और from the borrowed fund. या तो उसके पास खुद का fund है, खुद की wealth है, उससे कर रहा है, या तो वो कहीं से क्या किया है, borrow किया. तो इसमें क्या होता है, single ownership होता है. Management, control, ownership भी किसकी होती है, एक individual की होती है. और एक सिंगल इंडिविजुअल ही क्या करता है, अपने ओन वेल्थ को, जो भी इसके पास अमाउंट है, मनी है, उसको या तो इन्वेस्ट करता है या तो बोरोड फंड, कि कहीं से वो मनी को बोरो करता है, फिर उसको अपने वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन एंड द क्लोजर. सो देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज. फॉर्मेशन एंड द क्लोजर होने का मतलब है कि ये बिजनेस इंटरप्राइजेस का कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे वो फॉर्म्ड होगी, कैसे वो इंट्रोड्यूस और इस्टेब्लिश होगी, और कैसे वो एंड होगी. So there are no legal formalities required to start and close sole proprietorship. ठीक है, firm. तो इसमें कोई भी legal formalities की need नहीं है कि कोई भी start करने में और उसको ownership को end करने में. ठीक है, कोई भी legal formalities, rules and regulations नहीं है जिनको क्या करना है, follow करना है. So there is no separate law governing this form of business. ठीक है, कोई भी law नहीं होता है जिसके through ये क्या है कि वो रेगुलेट हो. ओनली इन सम केसेस अ लाइसेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ वेरी सिंपल. तो बहुत कम ही केस में क्या होता है कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कंटिन्यूइंग देयर बिजनेस, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ वेरी सिंपल. कि बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म करना और उनको क्लोज करना, ये क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है. अदरवाइज बहुत रेयर केस में ही क्या होता है कि लाइसेंस की नीड होती है फॉर ऑपरेटिंग दी बिजनेस. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज सिंगल ओनरशिप एंड द फॉर्मेशन एंड द क्लोजर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर होता है, जो सिंगल ओनर होता है, वही क्या होता है, लायबल होता है कि जो भी उस बिजनेस में डेट लिया गया है, जो भी लोन लिया गया है, उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. सो इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, अगर बिजनेस में लॉस होगा, इफ़ द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशियंट टू मीट ऑल बिजनेस लायबिलिटीज़, द प्रोप्राइटर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर क्या है, इन केस ऑफ बिजनेस में अगर लॉस हो गया, तो इफ़ द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशियंट टू मीट ऑल बिजनेस लायबिलिटीज, कि अगर बिजनेस का असेट क्या है वो इतना सफिशियंट नहीं है कि वो सारे लायबिलिटीज़ को फुलफिल कर ले, सो द प्रोप्राइटर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी. तो प्रोप्राइटर, जो भी सिंगल ओनर है, वो क्या करता है, अपने प्रॉपर्टी को भी सोल्ड आउट कर देता है टू पे ऑफ द लायबिलिटीज़. लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कोई भी प्रोप्राइटर ओनर क्या करता है, सिंगल ओनर सोल प्रोप्राइटर, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सोल्ड आउट कर देता है, क्योंकि उसको जो भी उसने डेट लिया है उसको क्या करना है, पे करना है. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सोल्ड कर देना होता है. नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड द प्रॉफिट रिसिपिएंट. अगर किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी रिस्क होता है तो इंडिविजुअली बेयर करेगा, अगर प्रॉफिट भी होगा तो वो इंडिविजुअली पूरे प्रॉफिट को लेगा. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होल रिस्क इज़ बॉर्न बाय द सिंगल इंडिविजुअल ओनली. ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पूरा रिस्क होगा बिजनेस में, वो क्या होगा, वो सिंगल इंडिविजुअल ही उसको बॉर्न करेगा, उसी के थ्रू बॉर्न हुआ है, और वही क्या करेगा, उसको कॉम्पनसेट करेगा. सो द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज़ वन इंडिविजुअल. और अगर बेनिफिशियल होता है, अगर कोई रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट होता है, तो वही इंडिविजुअल ही पूरे प्रॉफिट को लेगा. Only like if there are losses, he or she alone has to bear them. ठीक है, अगर बिजनेस में लॉस होगा तो वो अकेले ही पूरे लॉस को क्या करेगा, बेयर करेगा. Thus he or she alone bear the risk of the business. तो वो अकेले ही लोनली क्या करेगा कि सारे बिजनेस को
सारे बिजनेस रिस्क को वो अकेले ही बेयर करेगा या करेगी, ठीक है। तो उसमें कोई भी उसके साथ कोई भी शेयरिंग पार्टनर नहीं होगा जिसके साथ वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करे। तो ही और शी विल सिंगल और द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉफिट एज वेल एज द लॉसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज वन मैन कंट्रोल। सो द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज फुल कंट्रोल ओवर इट। कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो सिंगल ओनर होता है किसी भी फर्म का, एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट, और उसी का ही क्या है, पूरा कंट्रोल है। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन ओनली। कि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी ओनरशिप है, ठीक है, अगर ओनरशिप है, कोई ओनर है या मैनेजमेंट किसी को करना है, तो वो वन पर्सन ओनली, कि एक सिंगल मैन ही इंडिविजुअली क्या करेगा, सारे ओनरशिप को एज वेल एज जो भी मैनेजमेंट है वही कंट्रोल करेगा। सम पर्सन और द मैनेजर मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर। ठीक है, कुछ पर्सन और कुछ मैनेजर क्या करेंगे, एम्प्लॉयड तो होंगे टू हेल्प द ओनर, बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ। बट जो अल्टीमेट टोटल कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा, पूरा ही सोल प्रोप्राइटर के हाथ में ही होगा। मतलब वो अपने क्या है, कुछ एम्प्लॉयज़ को वो रखेगा कि उसकी हेल्प करें, बट जो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो पूरा कंट्रोल किसका होगा, एक सिंगल जो भी प्रोप्राइटर है उसी का होगा। नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम डैट ऑफ इट्स ओनर। ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं है जब उसको उसके ओनर से अलग कर दिया जाए। मीन्स प्राइवेट जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके बिजनेस मैन को या सोल प्रोप्राइटर को बिजनेस से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल एंटिटी, उसकी कोई लीगल आइडेंटिटी ही नहीं है। सो लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द इंटरप्राइजेस। जो लॉ है वो कोई भी डिफरेंस ओनर और इंटरप्राइज के बीच में नहीं करती है। बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। जो बिजनेस है और जो ओनर है वो क्या है, वो एग्जिस्ट टुगेदर, वो साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो कोई भी एक लीगल आइडेंटिटी किसी भी ना सोल प्रोप्राइटरशिप की होगी, नहीं कोई ओनर को अगर कर दिया जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग कर दिया जाए, तो उसकी कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी सेपरेट उसकी एंटिटी नहीं है, दोनों अगर साथ में है तभी उनकी क्या है, कोई एंटिटी है, लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी एलिमेंट और दी विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दी बिजनेस। कि अगर क्या होता है कि अगर बिजनेस और ओनर आर वन, हमें पता है कि जो बिजनेस है और ओनर है वो वन है, तो अगर किसी उसी ओनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी निकल जाना, मीन्स उसको पूरा लॉस हो जाना, इनकैपेसिटी है मतलब वो उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, और इन एलिमेंट हो जाता है, कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हो जाती है, तो विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस, उसके बिजनेस पे क्या करेगा, वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। अगर उसी के साथ कोई और भी पार्टनर होगा, तो अगर एक की में भी अगर डेथ हो गई या एक की क्या है डिजीज से कोई फेस कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, पार्टनर उसको मैनेज कर लेगा। बट ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें कोई और होता नहीं है, सिंगल ओनर होता है। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, या कोई भी डिजीज़ हो जाती है, वो डायरेक्टली क्या है, बिजनेस पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्मॉल साइज। सो द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वो क्या करता है, बहुत स्मॉल स्केल पे वर्क करता है। एज ऑल द फंड्स आर अरेंज्ड बाय द वन पर्सन। क्योंकि जो भी बिजनेस में फर्म में अरेंज कोई भी फंड लग रहा है वो एक सिंगल पर्सन ही अरेंज कर रहा है। सो टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विथ वन पर्सन ओनली। कि जो भी टोटल मैनेजमेंट है, जो भी कंट्रोल है, वो किसके पास है, वन पर्सन के ही पास है। एज सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स। कोई भी एक सोल ट्रेडर, कोई भी सिंगल ट्रेडर क्या है, वो अरेंज लिमिटेड अमाउंट में ही फंड को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है।
एंड हैज लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी, और उसके पास लिमिटेड ही मैनेजीरियल एबिलिटी भी है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी भी नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन हर एक चीज़ में कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता। देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड, इसीलिए जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है, ये जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, स्मॉल स्केल पे होता है, क्योंकि पूरा फंड भी उसी एक सिंगल पर्सन को मैनेज करना है, पूरा कंट्रोल भी सिंगल पर्सन को करना है, मैनेजमेंट करना है, और उसके पास किसी हर एक पर्सन किसी भी पर्सन के पास हर एक एबिलिटी हो, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो बिजनेस है वो क्या होता है, स्मॉल स्केल पे ही रन करता है। ओके, सो दीज ऑल आर दी फीचर्स ऑफ दी सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट वन इज सिंगल ओनरशिप, सेकेंड इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर, थर्ड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फोर्थ इज इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट, वन मैन कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी एंड दी स्मॉल साइज। सो दीज ऑल आर दी सम फीचर्स ऑफ दी सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ दी एंड एडवांटेजेस ऑफ दी सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय दी प्रोप्राइटर, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, एक सिंगल या सोल अथॉरिटी है या जो प्रोप्राइटर है वही सारे डिसीजंस लेता है हिमसेल्फ, अकेले ही वो सारे डिसीजन लेता है। ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट एनीवन एंड वेस्ट टाइम, उससे ये सपोज नहीं किया जाता है कि वो किसी और के पास जाके कोई भी डिसीजन में हेल्प करे या कंसल्ट करे, एज वेल एज अपना टाइम वेस्ट करे। बाई क्विक डिसीजन इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन, ठीक है, कोई भी क्विक डिसीजन लिया जाएगा तो कोई भी इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है, विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, जो क्या है, ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। देर आर नो डिलेज एंड द बिजनेस कैन क्विकली अडाप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि इसमें कोई भी डिले नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस क्या करेगा, अपने आप को क्विकली अडाप्ट कर लेगा कोई भी चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, किस कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, किसको कम प्रोड्यूस करना है, अगर इस टाइप के एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, तो कोई भी सिंगल पर्सन क्या अपने आप को क्विकली अडाप्ट कर लेगा उस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियल होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। सो द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विथ अदर्स, कि जो भी सोल प्रोप्राइटर है उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो अपने सीक्रेट्स को किसी और के साथ शेयर करें। सो देर इज़ नो लीगल कंपल्शन फॉर अ सोल प्रोप्राइटर्स टू पब्लिश हिज अकाउंट, तो कोई भी इसमें लीगल कंपल्शन नहीं है, कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर अपने जो भी अकाउंट है, जो भी उसने अपने अकाउंट बनाया है, कितना असेट लायबिलिटी, वो किसी और के साथ शेयर करे। सो ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, जो भी सारे डिसीजन है इट विल बी टेकन बाय द प्रोप्राइटर, वो जो सोल प्रोप्राइटर है वही सारे डिसीजन लेगा। सो इट बिकम ईजी फॉर हिम टू मेंटेन सीक्रेसी, तो इससे क्या होगा, ये इट बिकम वेरी ईजी, ये बहुत ईजी हो जाएगा कि वो सीक्रेसी को मेंटेन किए रहे एंड गेट बेटर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, और इससे क्या होगी, इसकी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ भी क्या है, बनी रहेगी। ओके, सो वॉट वी हैव डिस्कस इन टूडेज क्लास, वी हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन इन विच वी हैव डिस्कस द बिजनेस इंटरप्राइज डिवाइडेड इंटू टू, प्राइवेट पब्लिक एंड ज्वाइंट सेक्टर। वी हैव स्टार्टेड द forms of the private sector enterprises in which we have discussed the there are private sector enterprises can function and run by the adopting different any of the following forms. First one is sole proprietorship, second is joint Hindu family business, third one is partnership, fourth one is cooperative society, and fifth one is company. So what we have discussed in this, we have started the sole proprietorship. So sole proprietorship means a single owner. All the business is managed, controlled, as well as owned by the single owners, in which we have, as well as we have also discussed definitions by the different authors, from the Hansen, Henney, Stephenson and the Kimball, and the features of the sole proprietorship: single ownership, formation and the closure. Next is unlimited liability, individual risk bearing and the profit recipient, one man control, no separate legal entity, lack of business continuity, small size, as well as we have also started the merit and the advantages of the
sole proprietorship in which we have discussed the quick decision, that is any individual, any businessman or proprietor is a single owner of the business, so he can take the any decision very quickly. He is not supposed to take any consult from the others, as well as we have discussed the confidentiality. Okay, so till here we have discussed in today's class. Others advantages and merits we will discuss in the next class. Okay, thank you.